जिला अधिकारी देवरिया आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्रा ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में लोगों को राहत सामग्री दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के स्वास्थ्य हेतु सुविधा हेतु कैंप लगाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। बाढ़ ग्रसित गांव भदिला में डीएम और एसपी ने दौरा कर लोगों के स्वास्थ्य हेतु जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों के साथ कैंप लगाकर लोगों के कोविड-19 के सैंपल के तहत दवा वितरण किया गया। वहीं लोगों को राहत की सामग्री भी मुहैया कराई गई। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने लोगों से आह्वान किया कि बाढ़ क्षेत्र में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहकर ताजे आहार का सेवन करना चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में लगे फ्लड टीम के साथ पुलिस ने टीम को गांव एवं लोगों की सुरक्षा के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए गए। परस तहसील में भदिला प्रथम हमारा गांव है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। आज मैंने और आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपनी पूरी टीम के साथ इसका भ्रमण किया, साथ में जो शासन द्वारा निर्देशित मानक अनुसार सामग्री है उसका वितरण भी बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच में किया गया। साथ में सीएमओ साहब की ओर से एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन हुआ जिसमें लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण हुए और जीवन रक्षक दवाओं को वितरित की गई। साथ ही में पशु धन विभाग द्वारा भी अपना एक कैंप लगाया गया है जिसमें वैक्सीनेशन का ईयर टैगिंग का काम हो रहा है और जो पशु हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। साथ में जो भी नीडी पशु हैं उनके को हम लोग पशु चारा भी वितरित करा रहे हैं। हम लोगों की विजिट से गांव के लोगों में भी एक सकारात्मक संदेश गया है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है और उनकी हर समस्या उनके साथ है। लोगों की सुरक्षा के साथ साथ जो बच्चे हैं और यहाँ पढ़ाई और शिक्षा प्रशासन द्वारा क्या मिला है? अभी जो यहाँ पे हमारा प्राथमिक विद्यालय है उसमें आंशिक रूप से पानी लग गया है, इस वजह से उसको तो हमें अभी अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। लेकिन प्रेरणा साथी जो हैं उनको शासन ने चयनित करके बताया था, उन लोगों के माध्यम से मोहल्ला क्लासेस संचालित करने के निर्देश वहाँ मौके पे दे दिए गए हैं और मैंने और एसपी साहब ने कुछ बच्चों से बात भी करी और उनको मोटिवेट किया है कि वो लोग खुद की पढ़ाई भी करने में रुचि दिखाएं। समय जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा इस तरह के दौरे आगे जाते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल किए जाएंगे। हमारे जो भी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं और उसके जो भी गांव मजरे हैं वहां पे लगातार मेरे और एसपी साहब के द्वारा भी और हमारे जितने सहयोगी अधिकारी उनके द्वारा निरंतर दौरे किए जा रहे हैं। बाढ़ खंड का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि उनकी पूरी टीम भी बंदों की जो सतत निगरानी में क्रियाशील है, प्रयत्नशील है और इसकी वजह से अभी हमारे जो भी रिसाव की समस्या आ रही थी उसको समय से प्लग इन कर दिया जा रहा है। थाना मदनपुर के ग्राम भदिला प्रथम में जो बरहर सब डिवीजन में आता है वहाँ आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मैंने, मेरी पूरी टीम ने, सीएमओ साहब और उनकी पूरी टीम ने, सीआरओ साहब की पूरी टीम, एसडीएम साहब की पूरी टीम, सीबीओ जो हैं पशुधन विकास अधिकारी उनकी पूरी टीम सब का यहाँ कैंप लगा है और आदरणीय जिलाधिकारी देवरिया महोदय की जो व्यवस्था की है शासन के निर्देशों के क्रम में उसमें बाढ़ राहत सामग्री का वितरण कराया गया है। पुलिस हमारी बिल्कुल चौकस है, यहाँ और जहाँ बंधे हैं जितने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं 24 घंटे वहाँ निगरानी और पिकेटिंग और गश्त कराई जा रही है ग्रामीणों के साथ और जहाँ जिसको जैसी आवश्यकता है वो आवश्यकता हमारे पुलिस के जवान अपने पुलिस के कार्यों के अलावा ये जो लोगों की मदद करने में कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल है और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे पुलिस के कर्मी इसी प्रकार ऐसे जो सामाजिक सरोकार के विषय हैं जो इस तरह की दिक्कतें हैं आपदाएं हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। थैंक यू।